नमस्कार, आज हम बात करेंगे एम्बिएंट जर्नलिज्म के बारे में। एम्बिएंट, एम्बिएंट का अर्थ होता है सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ का, हमारे आसपास का वातावरण। तो इस तरह अगर हम शाब्दिक अर्थों में देखें, एम्बिएंट जर्नलिज्म यानी कि वह जर्नलिज्म जो हमारे चारों तरफ घटित होती है, वह जर्नलिज्म जो हमारे चारों तरफ से आती है, जो हमारे आसपास है। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, अगर हम इसका डेफिनेटिव मीनिंग देखें एम्बिएंट जर्नलिज्म का, तो एम्बिएंट जर्नलिज्म, एम्बिएंट पत्रकारिता वह पत्रकारिता है जो न्यू मीडिया है, जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर सोशल मीडिया है, उससे जो उत्पन्न होती है, सोशल मीडिया के द्वारा की जाती है, सोशल मीडिया के द्वारा ब्रॉडकास्ट की जाती है, सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को खबरें पहुंचाई जाती हैं, उसी को हम एम्बिएंट जर्नलिज्म कहते हैं। ऐसी पत्रकारिता जिसमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, ब्लॉग्स, माइक्रो ब्लॉग्स का प्रयोग हो, ऐसी पत्रकारिता जिसमें सोशल मीडिया साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के द्वारा हमें न्यूज़ प्राप्त हो, आदि के द्वारा हम पत्रकारिता करें, आदि के द्वारा हमें जर्नलिज्म करें, ऐसी पत्रकारिता को हम एम्बिएंट जर्नलिज्म कहते हैं। और यह पत्रकारिता सिटीज़न जर्नलिज्म को अधिक प्रभावित करती है, सिटीज़न जर्नलिस्ट को एक अच्छा सुअवसर प्रदान करती है। और ऐसी पत्रकारिता का उदाहरण हम लीबिया और ट्यूनिशिया में हुई क्रांति को देख सकते हैं। 2011 में जब लीबिया और ट्यूनिशिया में क्रांति आई, वहाँ पर जो हुकूमत थी सरकार की, जो वहाँ पर डिक्टेटरशिप थी, उसको हटाने के लिए लोगों ने इसी एम्बिएंट जर्नलिज्म का प्रयोग किया और वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। हमें पता है वहाँ पर मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, बहुत ज़्यादा सख्ती है। गवर्नमेंट जो वहाँ की तानाशाह सरकार थी, उसको उन्होंने मीडिया को हक नहीं दिए हुए थे, मीडिया वहाँ पर फ्री नहीं थी। तो लोगों ने वहाँ पर इसी एम्बिएंट जर्नलिज्म का, इसी सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ पर वो लोग क्रांति लेकर आए। तो यह था हमारी आज की टर्म एम्बिएंट जर्नलिज्म। ऐसे ही और भी टर्म्स के साथ हम आपको मिलेंगे मीडिया डिक्शनरी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।